दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में पानी भरने से मौत के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई की निगरानी में सीबीआई की इस मामले की जांच करेगी सीवीसी की निगरानी में, और इसके साथ कोर्ट ने भी कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। दरअसल ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी, और देखते ही देखते लगातार किस तरीके से ये लोग काल के गाल में समाज गए पता ही नहीं चला। इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। शनिवार को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राव कोचिंग सेंटर में हुए हादसे में 3 चिराग बुझ गए थे। बेसमेंट में भरे पानी से 3 छात्रों की जिंदगानी खत्म हो गई थी। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 छात्रों की मौत की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया है। कोर्ट ने कहा इस मामले की जांच सीबीसी की निगरानी में सीबीआई करेगी। वहीं कोर्ट ने एमसीडी से कहा कि सभी नालों को चालू करे और जरूरत पड़ने पर इसकी संख्या को बढ़ाए। हाई कोर्ट ने एमसीडी से कहा कि एमसीडी को इलाके के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की हुई मौत का मामला अब सीबीआई के पास पहुंच चुका है। सीबीआई इस मामले की जांच सीबीसी की निगरानी में करेगी। वहीं कोर्ट ने एमसीडी को आदेश दिए हैं कि जितने भी नाले बंद पड़े हुए हैं उसे तुरंत खोला जाए। वहीं कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा सड़क से गुजर रहे एसयूवी ड्राइवर को क्यों गिरफ्तार किया। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि जांच अधिकारी कहां हैं, क्या दिल्ली पुलिस ने बिल्डिंग प्लान को मंजूरी देने वाले व्यक्ति से पूछताछ की है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा क्या आप शक्तिहीन हैं, आप पुलिस हैं। वहीं ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर कांड के आरोपी मनोज कथुरिया को 30,000 कोर्ट से जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा भी कर दिया गया। दरअसल कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा था सड़क से गुजर रहे एसयूवी ड्राइवर मनोज कथुरिया को क्यों गिरफ्तार किया। वहीं राव स्टडी सेंटर मृतक 3 छात्रों के परिजनों को 50-50 लाख मुआवजा देगी, 25 लाख तुरंत तो 25 लाख 6 महीने के भीतर देगी। बहरहाल देखना होगा कि सीबीआई की जांच के बाद एमसीडी पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है। मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को एक बार फिर आड़े हाथ लिया और कहा कि जिस तरीके से यहां फ्री बीज कल्चर चल रहा है उसे समझ में आता है कि सरकार कैसे चल रही है। वहीं कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और एमसीडी कमिश्नर को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आखिर इस मामले में 3 छात्रों की मौत कैसे हुई और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ड्राइवर को क्यों गिरफ्तार किया गया। इन सभी सवालों का जवाब अधिकारी नहीं दे पाए। अब देखना होगा जब इस मामले में सीबीआई जांच करेगी तो जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन मधुर के साथ गोपाल कृष्ण।